इसमें हम देखिए सबसे पहले वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, इसका जो कोर्ट होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, और जो इसकी लेंथ होती है, 18 मीटर। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर इसकी विड्थ होती है। अब आप इसकी जो ये वाली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर में, इसको सेंटर लाइन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है दोनों तरफ में, इसको बोलते हैं अटैक लाइन। और ये जो साइड में आपको दोनों तरफ लाइन दिख रही है इसे साइड लाइन बोलते हैं। और ये देखिए जो इसकी विड्थ है, विड्थ वाली लाइन कौन सी, एंड लाइन इसको बोलते हैं। तो और इसको बोलते हैं बैक जोन, और ये वाला एरिया हमारा फ्रंट जोन। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर देखिए जो सेंटर लाइन और अटैक लाइन के बीच का डिस्टेंस है ये होता है 3 मीटर का। ठीक है, 3 मीटर का होता है। और अटैक लाइन और एंड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस है हमारा 6 मीटर का। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी लाइन जो आपको दिख रही है व्हाइट कलर में, ठीक है, मार्किंग वो होती है 5 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है, इसकी मार्किंग की जो लाइन है ये है 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, यानी कि इसकी लाइन की विड्थ कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके कोर्ट में और क्या चीजें होती हैं, ठीक है, उसे हम इस वाले डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये है बैक जोन, ये वाला एरिया दोनों तरफ में, और ये वाला एरिया हमारा फ्रंट जोन है। ठीक है, ये सेंटर लाइन। और अब देखिए यहाँ पर ये इसके दोनों तरफ में पोल लगे रहते हैं जिसपे नेट लगता है। ठीक है, और ये जो पोल का डिस्टेंस है साइड लाइन से ये कितना होता है, ये होता है 1 मीटर। ठीक है, दोनों तरफ में 1 मीटर होता है पोल, यानी पोल हमारे 1 मीटर पे लगते हैं। अब उसके बाद और क्या है, इसके बाहर चारों तरफ में हमारे फ्री जोन एरिया रहता है। ठीक है, क्या रहता है, फ्री जोन एरिया। और अब ये फ्री जोन एरिया कितना होता है, ये होता है साइड लाइन से इसका डिस्टेंस होता है 3 मीटर का। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल या वर्ल्ड कंपटीशन होते हैं फीवा के अकॉर्डिंगली जो इसका डिस्टेंस होना चाहिए साइड लाइन से वो होता है 5 मीटर, और इसका जो एंड लाइन से डिस्टेंस होना चाहिए वो होता है हमारा 6.5 मीटर, ये होना चाहिए। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए 6.5 मीटर का। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे सर्विस जोन रहते हैं। ठीक है, सर्विस जोन में क्या होते हैं, सर्विस करते हैं। ठीक है, सर्विस जोन से है सर्विस की जाती है। और इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 3 से 8 मीटर। ये 3 से 8 मीटर इसकी लेंथ, और विड्थ तो इसकी अकॉर्डिंगली कोर्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग ही रहती है 9 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस जोन। और उसके बाद इसमें और क्या होता है, इसमें लिब्रो रिप्लेसमेंट जोन इसमें रहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ। और ये कहाँ होते हैं, हमारे अटैक लाइन से लेकर एंड लाइन के बीच में ये होते हैं दोनों तरफ को। यहाँ पर देखिए इसमें ही क्या होता है, 1.75 मीटर पे एक लाइन लगी रहती है। ठीक है, जो क्या होती है, कोचेस रिस्ट्रिक्शन लाइन ये होती हैं, कोचेस यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन जोन यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं। फिर उसके बाद क्या रहता है, यहाँ पर बाहर में टीम बेंचेस यहाँ पर लगे रहते हैं, और यहाँ पर एक स्कोरर टेबल होता है। ठीक है, और फ्री जोन एरिया के बाहर साइड में, ठीक है, दोनों तरफ पे क्या रहते हैं, 3 बाय 3 मीटर के हमारे वार्मिंग अप एरिया यहाँ पर रहता है। तो ये था पूरा कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के बारे में कौन, अब हम इसके रोटेशन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जो इसकी रोटेशन है वो होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो इसकी पोजीशन होती है, यानी कि ये खड़े कैसे होते हैं, ये खड़े होते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए इस तरह से खड़े हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं ये उसके उल्टी डायरेक्शन में ये खड़े हुए रहते हैं। और इनको देखिए क्या क्या कहते हैं, इनको जो नंबर 1 प्लेयर है इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 हमारा राइट साइड अटैकर है, ये सेंटर ब्लॉकर है, नंबर 3 ये काउंटर अटैकर, नंबर 4 ठीक है, नंबर 5 हमारा सेटर है, और नंबर 6 ये हमारा लिब्रो, ठीक है, मिडल ब्लॉकर है लिब्रो। अब ये तो हमने देख लिया कि पोजिशन इसकी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, और रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये कैसे घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होती है, यानी कि जो नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है, वो नंबर 6 पे आएगा, 6 वाला 5 पे आएगा, 5 वाला 4 पे, 4 वाला 3 पे, 3 वाला 2 पे, और 2 वाला 1 पे। तो इस तरह से ये क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। और रोटेशन कब होती है,
ठीक है, जब भी कोई टीम पॉइंट जीतती है ठीक है, और उसकी सर्विस होती है, तो जो सर्विंग टीम होती है ठीक है, वहां पर रोटेशन होती है, और सर्विस करने से पहले ये रोटेशन करेंगे ठीक है, और इनकी रोटेशन बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है ठीक है, लिब्रो, लिब्रो जो है वो फ्रंट जोन में नहीं खेल सकता है ठीक है, ये अटैकर नहीं हो सकता, ये डिफेंडिंग प्लेयर ही है, हम इसके बारे में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो ठीक है, ये तो था रोटेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके टेम्परेचर के बारे में। अब जैसा आप जानते हैं कि जो वॉलीबॉल का खेल है ये इंडोर गेम भी है ठीक है, जहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए। फिर उसके बाद है लाइट इंटेंसिटी ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए, जो प्लेइंग एरिया है उसके आधार पर ठीक है, जो खेल स्थल है उसके आधार से 1 मीटर ऊपर ठीक है, ये मापी जानी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, 1000 से 1500 लक्स के बीच में ये होनी चाहिए। और ये लक्स क्या है हमारा, ये प्रकाश को, लाइट को मापने की यूनिट होती है। ये तो हो गया, उसके बाद हम इसके नेट और पोस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो पोस्ट है ठीक है, ये वाइट कलर का ये पोस्ट होता है, और ये एडजस्टेबल होना चाहिए। एडजस्टेबल यानी कि इसकी जो लेंथ है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि जो नेट हाइट होती है वो मेंस और विमेंस के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए क्या है, इसके जो पोस्ट है वो एडजस्टेबल होते हैं ठीक है। और इसमें देखिए पोल की हाइट कितनी होती है, 2.55 मीटर होनी चाहिए, और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए साइड लाइन से, हमने पहले भी पढ़ा ठीक है, साइड लाइन से दोनों तरफ को 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये पोल लगे होते हैं। तो इस तरह से इसके पोल टू पोल डिस्टेंस कितना हो गया, ये ऑटोमेटिकली 11 मीटर हो गया ठीक है। 9 मीटर का तो हमारा कोर्ट का एरिया था, और 1 1 मीटर साइड को हमारे पोल लग गए, तो टोटल पोल टू पोल डिस्टेंस हो गया 11 मीटर का। तो उसके बाद हम नेट के बारे में पढ़ते हैं ठीक है। नेट की जो हाइट है ठीक है, ये हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, मेंस के लिए होती है 2.43 मीटर, और विमेंस के लिए 2.24 मीटर इसकी हाइट होती है। तो उसके बाद जो इसकी लेंथ होती है ठीक है, ये इसकी लेंथ इसकी होती है 9.50 से 10 मीटर के बीच में इसकी लेंथ होनी चाहिए, और इसकी जो विड्थ है ठीक है, कितना चौड़ा होना चाहिए, 1 मीटर ये चौड़ा होना चाहिए ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके बॉक्सेस रहते हैं ठीक है, इसके बॉक्सेस कितने के होते हैं, 10 बाय 10 सेंटीमीटर के ये होते हैं, और टोटल इसमें कितने बॉक्सेस होते हैं, 1000 बॉक्सेस इसमें होते हैं, और नेट के ऊपर एक पट्टा सा लगा रहता है ठीक है, 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और उस तरह से ही इसके नीचे भी एक पट्टा होता है निचली तरफ को, वो होता है 5 सेंटीमीटर चौड़ा ठीक है। हमने नेट और पोस्ट की मेजरमेंट यहाँ पर कर ली, नेक्स्ट हम करेंगे एंटीना। क्या एंटीनाज लगे रहते हैं यहाँ नेट के ऊपर, ये क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि गेम में नेट को टच करना फॉल होता है ठीक है, इसलिए नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए क्या लगे रहते हैं, एंटीनाज यहाँ पर लगे रहते हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबल रॉड का ये बना हुआ होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है इसकी, इसकी लेंथ होती है 1.80 मीटर इसकी लेंथ होती है, और जो इसका डायमीटर होता है, ब्यास कितना होता है इसका, इसका ब्यास होता है हमारा 1 सेंटीमीटर। और ये एंटीना जो होता है ठीक है, ये कैसा होता है, ये रेड और व्हाइट दो कलर में होता है ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसमें रेड कलर रहता है और 10 सेंटीमीटर इसमें व्हाइट कलर रहता है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो नेट की विड्थ होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर तो नेट होता है चौड़ा, तो 1 मीटर तो ये नेट में ही होता है ठीक है, जो बाहर को निकला रहता है इसका भाग वो होता है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 1.80 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। फिर बॉल की मेजरमेंट देखते हैं, बॉल का जो वेट होता है वो होता है 260 से 280 ग्राम के बीच में। फिर है इसका सरकमफ्रेंसेस यानी इसकी परिधि ठीक है, ये जो बाहर से हम इसको पूरा गोलाई में नापेंगे तो ये कितना होगा, 65 से 67 सेंटीमीटर, और इसमें एयर प्रेशर कितना होता है, 0.35 से लेकर 0.335 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एयर प्रेशर इसमें रहता है। फिर उसके बाद हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए प्लेयर्स, तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर इसमें होते हैं, 6 प्लेयर एक टाइम पर कोर्ट में खेलते हैं,
और 6 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं, सब्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो टोटल एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 12 खिलाड़ी इसमें एक टीम में होते हैं टोटल, ठीक है। 6 इसमें एक्स्ट्रा होते हैं और 6 खेलते हैं कोर्ट पे। फिर उनकी जो ड्रेसेस है, ठीक है, जो इनकी यूनिफॉर्म है उसके बारे में देखते हैं। इन सभी खिलाड़ियों की जो ड्रेस है वो एक सी रंग की यहाँ पर होनी चाहिए, सिवाय लिब्रो को छोड़कर, ठीक है। लिब्रो एक ऐसा प्लेयर होता है टीम में जिसकी ड्रेस जो है सबसे डिफरेंट होती है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ठीक है, कि सभी की ड्रेस जो वो सेम कलर की है। एक जो बीच में यहाँ खिलाड़ी है उसकी ड्रेस जो है वो सबसे डिफरेंट है यहाँ पर। और इनकी जो ड्रेसेस है उन पर 1 से 28 तक यहाँ नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और उन नंबरों का जो आकार है, ठीक है, वो चेस्ट की तरफ से कितना होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए और पीठ की तरफ से 20 सेंटीमीटर ऊंचे ये नंबर लगे होने चाहिए। और इन नंबरों की जो मोटाई है, ठीक है, इनकी मोटाई 2 सेंटीमीटर तक ये होनी चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे लिब्रो के बारे में, ठीक है। लिब्रो खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी होता है, ठीक है, जिसकी ड्रेस जो है वो सबसे डिफरेंट होती है। और ये 12 खिलाड़ियों में से 2 यहाँ पर लिब्रो होते हैं। एक यहाँ पर कोर्ट में खेलता है एक टाइम पर और जो दूसरा होता है वो सब्स्टिट्यूशन में होता है। और लिब्रो एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, ठीक है, और इसको बैक जोन में ही खेलना होता है और बैक जोन में ही इसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और बैक जोन के अंदर भी जो सर्विस करने वाला खिलाड़ी है उसके साथ इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लिब्रो है, ठीक है, वो सर्विस नहीं कर सकता है। जो लिब्रो है, ठीक है, वो फ्रंट जोन में नहीं खेल सकता, ठीक, और ना ही फ्रंट जोन के अंदर इसको कहीं पर भी बदला जा सकता है। यानी कि जो लिब्रो है, ठीक है, ना वो सर्विस कर सकता है, ना ही वो अटैक कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो टीम का कैप्टन बन सकता है। फिर उसके बाद हम मैचेस के रूल्स के बारे में यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक मैच के अंदर यहाँ पर कितने सेट होते हैं, ठीक है। एक मैच के अंदर 3 या 5 सेट यहाँ पर होते हैं। बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 यहाँ खेला जाता है। और एक सेट में कितने 25 पॉइंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। पहले 4 सेट में होते हैं 25 पॉइंट और जो पांचवा सेट होता है उसमें 15 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पांचवा सेट होता है 15 पॉइंट्स का। जो वॉलीबॉल का मैच है, ठीक है, वो टेनिस पॉइंट के आधार पर खेला जाता है, ठीक है। जो टीम यहाँ पर पहले 25 पॉइंट बना लेगी वो सेट को जीत जाती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए, जो टाई की सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है, अगर दोनों ही टीमें 24-24 पर यहाँ बराबर हो जाती हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पर अगर कोई एक टीम एक पॉइंट लेकर, ठीक है, यहाँ पर 25 पॉइंट यहाँ पर बना लेती है तब वो यहाँ पर विजेता नहीं कही जाएगी। अब यहाँ पर जीतने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 पॉइंट की लीड यहाँ चाहिए होती है। जो टीम यहाँ पर पहले 2 पॉइंट की लीड कर लेगी तो वो यहाँ पर जीत जाती है, ठीक है। और जब तक यहाँ पर 2 पॉइंट की लीड नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये मैच चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर कोई टीम 5 सेट में से 3 सेट जीत जाती है, ठीक है, तो वो मैच वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पर 2-2 के सेट से बराबरी हो जाती है तब जाके यहाँ पांचवा सेट खेला जाता है। और यहाँ पर भी अगर पांचवें सेट में टाई हो जाता है यहाँ पर भी मैच तब तक चलता रहेगा जब तक 2 पॉइंट की लीड यहाँ नहीं हो जाती। फिर एक चीज इसमें और है यहाँ पर, कि अगर कोई टीम मैच खेलने से ही यहाँ पर मना कर देती है तो यहाँ पर जो विपरीत टीम है, विपक्षी टीम है, उसे यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा और वो 0-3 से सेट से मैच जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट क्या रहेंगे, 0-25 यहाँ पर पॉइंट रहेंगे। फिर उसके बाद है सर्विस रूल। सबसे पहली चीज तो यहाँ है कि सर्विस करते हुए खिलाड़ी जो है वो एंड लाइन को यहाँ टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड लाइन के बाहर से उसे सर्विस जोन में रहकर उसे सर्विस करनी होती है। और यहाँ पर देखिए, जो पहले और पांचवें सेट है वहां पर सर्विस कौन पहले करेगा उसका निर्धारण टॉस के द्वारा यहाँ पर होता है। और जो दूसरा, तीसरा और चौथा सेट है, ठीक है, यहाँ पर कौन पहले सर्विस करेगा उसका निर्धारण कैसे होता है, उसमें ये देखा जाता है कि पिछले सेट में किस टीम ने यहाँ पर सर्विस की थी वो टीम यहाँ पर सर्विस नहीं करेगी, ठीक है, उसकी विपरीत टीम सर्विस करेगी। फिर इसमें जो सर्विस है वो सीटी बजने के 8 सेकंड के अंदर यहाँ पर करनी चाहिए। सर्विस पे रेफरी विसल बजाता है,
है, और रेफरी के विसल बजने के 8 सेकंड के अंदर खिलाड़ी को यहाँ पर सर्विस करनी होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें टाइम आउट। ठीक है, वॉलीबॉल के अंदर कितने टाइम आउट दिए जाते हैं? ठीक है, तो प्रत्येक सेट में, हर एक सेट में एक टीम को यहाँ पर 2 टाइम आउट दिए जाते हैं। ठीक है, एक टीम को हर सेट के अंदर 2 टाइम आउट यहाँ दिए जाते हैं 30-30 सेकंड के, और ये टाइम आउट आते खेल में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जब खेल रुकता है या सर्विस ब्रेक होती है उस समय पर टाइम आउट ले सकते हैं। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 2 टेक्निकल टाइम आउट खुद ही मिल जाते हैं। ठीक है, 60-60 सेकंड के, और ये कब दिए जाते हैं? जब लीडिंग टीम के 8 पॉइंट हो जाते हैं तब पहला टेक्निकल टाइम आउट दिया जाता है, और उसके बाद जब 16 पॉइंट हो जाते हैं तब दूसरा टेक्निकल टाइम आउट यहाँ पर मिल जाता है, और टाइम आउट के दौरान जो है वो खिलाड़ी फ्री जोन में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कितने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होते हैं एक सेट में और किस तरह से होते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं, कि जो मैक्सिमम 6 सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक सेट में हर टीम यहाँ पर ले सकती है, यानी 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, उस सेम रिक्वेस्ट के अंदर। और एक चीज है यहाँ पर, एक सेट में जो है वो एक खिलाड़ी एक ही बार बदला जा सकता है, और वो उसी खिलाड़ी के जगह पर वापिस सेट में आ सकता है जिसकी जगह उसे बदला गया हो। फिर है सेट के मध्य अवकाश, यानी कि सेट के बीच में इंटरवल टाइम कितना दिया जाता है। यहाँ पर 2 सेट के बीच में 3 मिनट का इंटरवल टाइम दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ पर सिर्फ दूसरे और तीसरे सेट के बीच जो इंटरवल टाइम है, ठीक है, उसे 10 मिनट तक यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर निर्णायक या ऑफिशियल। इसमें कितने ऑफिशियल होते हैं? इसमें होते हैं, देखिए, 2 इसमें रेफरी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रेफरी एंड सेकेंड रेफरी। उसके अलावा यहाँ पर एक स्कोरर होता है, और यहाँ पर 2 या 4 यहाँ पर लाइनमैन होते हैं। यहाँ पर लाइनमैन का क्या काम होता है? ये यहाँ पर देखते हैं कि जब सर्विस करते हुए खिलाड़ी ने एंड लाइन को टच तो नहीं किया कहीं, और खेलते समय जो बॉल है वो कोर्ट के अंदर गिरी है या कोर्ट के बाहर गिरी है, ये सब देखना होता है लाइनमैन का काम। फिर उसके बाद लास्ट है कार्ड। ठीक, कार्ड में देखिए यहाँ 2 रंग के यहाँ कार्ड दिखाए जाते हैं, येलो एंड रेड, लेकिन इन्हें 4 तरह से यहाँ दिखाया जाता है। सबसे पहले देखिए येलो कार्ड। येलो कार्ड यहाँ वार्निंग के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, गेम में कार्ड कब दिखाए जाते हैं? जब भी कोई रूड कंडक्ट होता है या खिलाड़ी कोई मिसबिहेव करता है किसी भी ऑफिशियल के साथ, या आपस में झगड़ा करते हैं, या किसी तरह का रूड कंडक्ट यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कार्ड दिया जाता है। तो पहला येलो कार्ड यहाँ वार्निंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बार वार्निंग के बाद यहाँ दूसरी बार रेड कार्ड यहाँ दिया जाता है, जिसमें पेनल्टी दी जाती है। इसमें 1 पॉइंट और जो सर्विस है वो दूसरी टीम को दी जाती है। अब तीसरा देखिए, जो येलो और रेड कार्ड है वो अगर एक ही हाथ में ही अगर दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेयर है वो इस सेट में अब नहीं खेल सकता। ठीक है, उसे कोर्ट को छोड़कर जाना होता है और उसकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को यहाँ प्लेस किया जाता है। और अगर येलो और रेड कार्ड, ठीक है, सेपरेट हैंड में अलग अलग हाथ में अगर दिखाए जाते हैं तो इसका मतलब होता है जो प्लेयर है, ठीक है, उसको मैच से ही यहाँ पर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, और वो अब इस मैच में और नहीं खेल सकता है।